background, into Rabindra Sangeet. I'm no one and I don't know much about Rabindra Sangeet, but today I felt I was totally transported to a different era, which was so wonderful to be there. It's not too late, but I have desired to learn Rabindra Sangeet. And at least sing one song in my lifetime. I really, this is my desire after hearing today's, inspired by all of you. Thanks. It was a pleasure to be a part of this show today and listening to this wonderful music, and it's a true treasure of art and culture, and I'm really looking forward to be a part of this wonderful family of Rabindranath literature. And I would like to congratulate every performer and thank you for offering such beautiful music. Thank you so much. मुझे हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहने की एक इच्छा हमेशा है मेरे दिल में, तो यहाँ आकर मैं तो एक नृत्यांगना हूँ, अभिनेत्री हूँ, लेकिन आज लग रहा था कि मैं सिंगर क्यों नहीं हूँ। ये संगीत मैंने पहली बार इस तरह का संगीत सुना है। क्लासिकल म्यूज़िक एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्लासिकल डांसिंग का, तो मैंने थोड़ा सा सीखा था, लेकिन आज के ये गाने ने काफ़ी इंस्पायर किया कि मुझे लगता है कि सीखना चाहिए। और जो पंचकन्या जिस तरह से प्रेजेंट किया और गाया गया, वो जो लैंग्वेज नहीं भी जानते काफ़ी इन्वॉल्व होकर सुनते हैं गाने, सो इट्स अ ब्यूटिफुल प्रोग्राम। बेसिकली बंगाल के लोग तो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, जैसे साउथ के भी बहुत टैलेंटेड हैं, वैसे ही मतलब टैलेंटेड तो सभी हैं, क्योंकि यहाँ पे नृत्य और सिंगिंग म्यूज़िक में बहुत ध्यान दिया जाता है, और रविंद्र संगीत की वजह से कलकत्ता का, मैं सोचूंगी बंगाल का पूरा एक मान बढ़ता है, क्योंकि वो उसको प्रिजर्व करके रखा गया है इस संगीत को, और मैं चाहूँगी कि सारे हिंदुस्तान में इस संगीत का और भी इसका प्रोग्राम होना चाहिए और लोग आके सुने, क्योंकि इतना मधुर गीत है। आज के गाने जो हम लोग सुनते हैं बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके मुकाबले में आज के गाना तो कुछ भी नहीं है। To watch more, log on to www.erosentertainment.com.